हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टेल एसी क्वेश्चन सॉल्व। इट इज द लेक्चर नंबर 7 एंड टॉपिक इज व्हाट इज कॉमन इन एसी एंड बेसिस। यहां हम पढ़ने जा रहे हैं कि एसी और बेसिस में क्या कॉमन होता है, है ना। तो एसी और बेसिस और पीछे हमने टॉपिक जो पढ़ा उसको यहां पे मैं जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, उसको नहीं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले यहाँ आप जानिए कि कॉमन इन एसी एंड बेस, मतलब एसी और बेस क्या होता है। कुछ एग्जांपल आप जान लीजिए एसी का क्या होता है। जैसे एसी के कुछ फॉर्मूले, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह से बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कुछ एसिड का फार्मूला दिया हुआ है, कुछ बेसिस का फार्मूला दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है एनसीईआरटी, क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आप जो है एक बीकर लेते हैं, ये बीकर है ना, और वहाँ पे हम एक रबर कॉर्क लेते हैं और यहाँ पे रबर कॉर्क लगाते हैं। इसमें दो नेल सेट करते हैं, आयरन का नेल सेट करते हैं। और यहाँ से और जो होता है कि इसमें हम यहाँ से वायर है, ये वायर है, और इस वायर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बल्ब लगाते हैं और यहाँ पे हम एक पिन लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, है ना। और इस बीकर में क्या कर देते हैं, हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सल्यूशन फिल करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सल्यूशन फिल करते हैं। यहाँ पे इस तरह से सेटअप ऑपरेटर्स को सेट किया गया है। ये बीकर है, ये रबर कॉर्क है, ये आयरन नेल है, ये वायर है, ये स्विच है, ये बल्ब है, ये बैटरी है। तो इस तरह से ऑपरेटर्स को हम सेट करते हैं और सेट करने के बाद हम ये और ये जो सोल्यूशन दिया गया है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। तो हम इसको जब क्या करते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे हम जब स्विच ऑन करते हैं, इस तरह से सेटअप बनाने के बाद स्विच ऑन करते हैं, तो क्या बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, है ना। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन दिए तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। इसी तरह से कहा है कि आप इस सारे सोल्यूशन को ले लीजिए, हाँ, जितने एसिड हैं और ये बेसिस, कुछ एसिड दीजिए, कुछ बेसिस दीजिए। क्या सबके जो स्क्वायर सोल्यूशन सबका लेते हैं, क्या ये बल्ब ग्लो करता है, तो किस केस में बल्ब ग्लो करेगा, किस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब जो है ग्लो क्यों करेगा और बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा, कुछ सोल्यूशन जैसे हम जैसे एथेनॉल या मेथेनॉल ले और ग्लूकोज का सोल्यूशन ले, तो उस केस में भी क्या बल्ब जलेगा। तो अगर उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करता है या तो क्यों नहीं ग्लो करता है, यहाँ पे हम इसी सब के बारे में यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। तो देखो, जैसे ही आप इस तरह से सेटअप बनाएंगे, कोई भी एसिड या बेस लेंगे, कोई भी एसिड या बेस लेंगे और स्विच ऑन करेंगे, तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, है ना। ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि कोई किसी भी एसिड या बेस का एक क्वार्क सोल्यूशन जो होता है आयनों में ब्रेक हो जाता है। जैसे पहला कहा है HCl का, है ना। तो HCl का एक क्वार्क सोल्यूशन जो है, HCl का एक क्वार्क सोल्यूशन हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन में ब्रेक हो जाएगा, है ना। और H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का एक क्वार्क सोल्यूशन ये है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड का एक क्वार्क सोल्यूशन हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयन में ब्रेक हो जाता है, एंड नाइट्रेट आयन में ब्रेक हो जाता है। और इस तरह से आप यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक एसिड का करेंगे, H2CO3 का एक क्वार्क सोल्यूशन हाइड्रोजन आयन एंड कार्बोनेट आयन, है ना। इसी तरह से फास्फोरिक एसिड का भी दिखा सकते हो, है ना। फास्फोरिक एसिड किसमें होगा, H3PO4
breaks into PS plus plus phosphate ion in minus. और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक होगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक पर सॉल्यूशन ब्रेक इन सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ब्रेक इन पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रेकिंग कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन टू हाइड्रोक्साइड आयन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम आयन टू हाइड्रोक्साइड आयन और भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेकिंग अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड. तो यहां देख रहा है कि जो एसिड या बेस का जो क्वाश सॉल्यूशन होता है वो आयनों में क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है ना. एसिड और बेस का पहले तो आप जान लीजिए एसिड एंड बेस के क्वाश सॉल्यूशन जो होते हैं वो आयनों में ब्रेक हो रहे हैं है ना. तो आयनों में ब्रेक हो जाते हैं तो सभी देख रहे हैं कि सभी एसिड के पास और यहाँ पहला चीज हम कंसीडर अभी कर रहे हैं बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है और किस केस में ग्लो करेगा किस केस में ग्लो नहीं करेगा एक्टिविटी पर अभी आते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉमन जैसे कि टॉपिक हमारा है कॉमन एसिड एंड बेस यानी कि एसिड में क्या कॉमन होता है बेस में क्या कॉमन होता है. तो यहाँ देखिए जितने भी एसिड हैं सबका एक क्वाश सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होता है. सभी एसिड के पास क्या होता है हाइड्रोजन आयन और सभी बेस के पास क्या होता है हाइड्रोक्साइड आयन. सभी बेस के पास क्या है हाइड्रोक्साइड आयन. तो कॉमन ही यहाँ कर सकते हो जो कॉमन एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है कि सभी एसिड के पास ऑल द एसिड हैव हाइड्रोजन आयन और वेयर बेसेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन. यानी कि एसिड के पास हाइड्रोजन आयन होता है और बेस के पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है यही कॉमन होता है. एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉमन होता है बेस में क्या होता है हाइड्रोक्साइड आयन होता है. सभी बेस के पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है और सभी एसिड के पास हाइड्रोजन आयन होता है. तो यहाँ देखिए अब हम इसको दूसरी बात यहाँ पे तो और इस केस में कोई भी अगर कोई भी एसिड या बेस का सोल्यूशन देंगे बीकर में तो जो बल्ब जो है ग्लो करेगा. अगर स्विच को ऑन करेंगे बल्ब क्या करेगा ग्लो करेगा. क्यों ग्लो करेगा क्यों ग्लो करता है क्योंकि देखो ये एसिड क्या एसिड जो होता है अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है ना. तो आयन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. आयन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो इसलिए ये बल्ब क्या करेगा ग्लो करेगा. तो जैसे आप फिजिक्स से पढ़ते हैं कि जैसे वहां में फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है किसी मेटल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उस का हम वायर बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करता है. उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का दूसरा माध्यम क्या होता है आयन होता है. तो आयन भी क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना. तो ये क्या तो आयन इज ऑल्सो ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये आयन जो है जो ये आयन जो आयन जो ये एसिड या बेस जो आयनों में ब्रेक हो जा रहा है क्वाश सॉल्यूशन में आयनों में ब्रेक हो जा रहा है तो इसी आयनों के कारण इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है कंडक्ट हो रही है हेंस बल्ब ग्लो कर रहा है. देयरफॉर बल्ब क्या कर रहा है ग्लो कर रहा है जो मतलब इन आयनों के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तभी जाके बल्ब क्या हो रहा है ग्लो कर रहा है. तो और दूसरी चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे आप सपोज कर लीजिए कि मेथनॉल या फिर एल्कोहल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है एल्कोहल C2H5OH इसको एथेनॉल कहते हैं एथेनॉल एथेनॉल और ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. क्या हम इसका
उसका भी सलूशन क्या, इसके सलूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे क्या? अगर हम इसका सलूशन इन एसिड या बेस की जगह पे अगर हम इनका एक वाइज सलूशन यहाँ इस दिखकर चले तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, है ना? अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, है ना? तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा बेटा कि हम जैसे इसका एक वाइज सलूशन बनाएंगे या फिर इसका एक वाइज सलूशन बनाएंगे तो ये आयनिक ब्रेक नहीं होता, है ना? ये डू नॉट एसोसिएट, डू नॉट ब्रेक इनटू आयन, डू नॉट ब्रेक इनटू आयन, ये आयनों में ब्रेक नहीं होते। यानी इथेनॉल यानी अल्कोहल या फिर ग्लूकोज का अगर यहां पे एक वाइज सलूशन देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, है ना? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका एक वाइज सलूशन जो होता है आयनों में ब्रेक नहीं होता। तो इसलिए ये पूरा एक्टिविटी इसी पे है कि सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज कॉमन इन एसिड एंड बेस। तो ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन, ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन, वेयर एज ऑल द बेसेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन, है ना? तो सभी बेसेस के पास जो होता है हाइड्रोजन आयन होता है और सभी आयन, सॉरी, सभी एसिड के पास हाइड्रोजन आयन होता है और सभी बेसिस के पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो यही एसिड में कॉमन होता है, यानी एसिड में कॉमन हाइड्रोजन आयन होता है और बेस में कॉमन हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो जो इसका इक्वाइज सॉल्यूशन होता है, देखो इक्वाइज सॉल्यूशन जो होता है, जब इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन इक्वाइज सॉल्यूशन लेते हैं तो ये आयनों में इसी आयनों में ब्रेक हो जाता है। तो इस आयन जब ब्रेक हो जाए जब ये क्या होगा सॉल्यूशन में आयन के रूप में रहेगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ किस फॉर्म में रहेगा, यानी हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन के फॉर्म में यहाँ पे मूव करेगा। तो यही आयन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और तभी क्या होगा बल्ब क्या करेगा ग्लो करेगा। लेकिन अगर इसके हम एसिड या बेस के सिवा कोई हम दूसरा ये सॉल्यूशन ले, जैसे ऐसा ले यानी एथेनॉल का एक क्रॉस सॉल्यूशन ले जिसको हम एल्कोहल भी बोलते हैं या फिर ग्लूकोज का एक क्रॉस सॉल्यूशन ले अगर इस एसिड या बेस के प्लेस पे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये जो है डू नॉट ब्रेक इनटू आयन, दे डू नॉट ब्रेक इनटू आयन। अगर ये आयन ब्रेक नहीं होंगे तब जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो आप तो यहाँ से आप समझ जाइए कि एसिड एंड बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव आयन इन एक्वायर सॉल्यूशन एंड ग्लूकोज एंड एथेनॉल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन एक्वायर सॉल्यूशन दे हैव नॉट आयन, यानी इनके पास ये एक्वायर सॉल्यूशन में आयनों में ब्रेक नहीं होते तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते और ये एक्वायर सॉल्यूशन में आयनों में ब्रेक हो जाते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज एसिड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड एंड बेस जो होते हैं वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है उनका, तो उससे थोड़ा वहां से हम लोग जो है एक्टिविटी कोई एक्टिविटी देखेंगे और उसके बस इसी स्टेप को हम आगे बढ़ाते हुए हम एसिड और बेस में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल।